बिग बॉस के सेट पर यानी कि वीकेंड का बार में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आप सभी के होश उड़ जाएंगे। क्या एक साथ तीन सदस्य घर से विदा हो जाएंगे या सिर्फ दो को विदा करके एक को अपग्रेड करके टिकट टू फिनाले भेजा जाएगा और ये पावर राजीव को मिलेगी। तो सेट से खबर आ रही है कि इस बार कोई भी एलिमिनेशन अगले हफ्ते के लिए नहीं टाला जाएगा। एक साथ दो लोगों को एलिमिनेट किया जाएगा और राजीव को पावर दी जाएगी। तो दो सदस्य इस हफ्ते कम हो जाएंगे। हम आपको बता दें कि तीन है जिसमें से एक एलिमिनेशन वोट के आधार पर होगा जो कि पिछले हफ्ते का ही था। एक जो है कहा जाएगा राजीव को कि आप एक को चुनिए जो टिकट टू फिनाले डिजर्व करता है और जो बाकी बच जाएगा वो भी एलिमिनेट होगा। तो इस तरह की खबरें जो है सेट से आ रही है। हालांकि हम आपको बता दें कि बहुत सारी चीजें जो है प्लान होती हैं लेकिन आखिरी मौके पर वो मटेरियलाइज ही नहीं होती। पिछली बार सलमान खान ने मिडवे के एविक्शन का ऐलान किया था और वो सारी चीजें प्लान थी और आप लोगों ने भी देखा कि वो ऑन एयर हो गया पर मिडवे के एविक्शन हुआ ही नहीं। उसके बाद मेकर्स ने ये प्लान बनाया। तो जो खबर है वो यही है कि दो लोगों को निकाल के एक को अपग्रेड करने की पावर राजीव को मिलेगी और उन दो सदस्यों के साथ राजीव भी इस हफ्ते घर से बाहर आ जाएंगे क्योंकि अगले हफ्ते का गेम टॉप 7 के बीच में होगा। तो इस बार टॉप 5 नहीं, हमें टॉप 7 मिलने वाले हैं। हालांकि मैं आपको फिर से कह देती हूँ कि यहाँ पर क्रिएटिव्स बार बार प्लान बनाते हैं और खुद के ही प्लान पर जो है आपने खुद ही देखा है कि कितनी बार पलटा है। डिबेट वाले टास्क में सिर्फ जिसके नाम पे सबसे ज्यादा एरिया होने वाले थे उसी को टिकट टू फिनाले मिलने वाला था लेकिन फिर तीन को मिल गया। अब पिछले हफ्ते जो है सलमान ने अनाउंस किया मिडवे का एविक्शन होगा जो नहीं हुआ। तो अब आज की जो न्यूज है वो यही है कि सलमान खान के आने से पहले जो कि प्लान लॉक हुआ है वो यही है कि एक ऑडियंस वोट के आधार पर एक राजीव अदातिया एक को एलिमिनेट करेंगे, एक को टिकट टू फिनाले देंगे और राजीव भी उन दो कंटेस्टेंट के साथ इस वीक जो है घर से बाहर आ जाएंगे।